हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने ओल्ड फोन से जब न्यू फोन परचेज करते हो तब कॉन्टेक्ट को एक फोन से दूसरे फोन में कैसे शेयर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सब बात करने वाले हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्केप ना करें, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें, तभी आप सीख पाओगे कि एक फोन से दूसरे फोन के अंदर कॉन्टेक्ट है वो कैसे शेयर करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो है वो शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और जाके देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जैसे ही नया फ़ोन परचेज करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हमारा कॉन्टेक्ट होता है। तो वैसे हम लोग कॉन्टेक्ट है वो अपनी ईमेल आईडी से भी बैकअप है वो ले सकते हैं। कैसे लेंगे वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग तो ये देखेंगे कि एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन के अंदर कॉन्टेक्ट है वो कैसे शेयर करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर जाना है और कॉन्टेक्ट के अंदर आपके जो भी नंबर हैं, एक्स वाई जेड जितने भी नंबर हैं, उन नंबरों को आपको क्या करना है, सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपको थोड़ी लाइन करके दिखा देता हूँ। तो ये इस वाले ऑप्शन पे आपको ये क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको करना है एक्सपोर्ट टू स्टोरेज डिवाइस, यहाँ पे क्लिक करना है और ऑल सेलेक्ट कर लेना है, जितने भी कॉन्टेक्ट है उन सबको एक साथ में है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट पे वो क्लिक करना है। तब आप स्क्रीन के अंदर देख रहे होंगे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट वेल बी एक्सपोर्ट टू फोन स्टोरेज बैकअप नाम का फोल्डर है, उसके बाद में कॉन्टेक्ट नाम का फोल्डर है, उसके बाद में ये जो फाइल दे रखी है ये फाइल है VCF के अंदर। तो मैं ओके कर देता हूँ। तो ये फाइल है वो आपको स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि वो स्टार्ट हो गई है, VCF में सक्सेसफुल हो गई है। अब आपको क्या करना है, इस फाइल को आपको उस फ़ोन के अंदर शेयर करना है जिसके अंदर आप कॉन्टेक्ट लेना चाहते हो, यानी जो आपका नया फ़ोन है। तो वैसे तो आपको यहाँ पे मिल ही जाएगी, ये देखिए VCFL फाइल। यदि आपको इसको देखना है तो आप क्या करोगे, लोकल फाइल के अंदर जाओगे और फ़ोन में बैकअप नाम का फोल्डर है, उसमें कॉन्टेक्ट नाम का फोल्डर है, ये VCFL फाइल है, यहाँ पे आपको कुछ देर के लिए दबाए हुए रखना है। उसके बाद आपको मोर ऑप्शन पे आप जाओगे तब शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, तब आपको शेयर करना है उस फ़ोन में जिस फ़ोन में आप लेना चाहते हो इसको। तो ब्लूटूथ डिवाइस से आप उसको उस फ़ोन के अंदर है वो शेयर कर सकते हो। तो ये मोस्टली मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, यदि फिर भी आपके डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं बता दूंगा आप ब्लूटूथ से वो शेयर करके कैसे ओपन है वो करोगे। तो जैसे ये फाइल उस फ़ोन के अंदर ब्लूटूथ में चली जाती है तब आप क्या करोगे वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा। अब आपने जिस फ़ोन के अंदर वो फाइल भेजी है वो आपके ब्लूटूथ के अंदर मिलेगी, तब आपको फिर से कॉन्टेक्ट में आना है, कॉन्टेक्ट लिस्ट ओपन करनी है और उसमें आपको क्या करना है, अब एक्सपोर्ट में आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए, ये आपको जो ब्लूटूथ से आपने जो फाइल भेजी है, मैंने दो बार सेंड कर दी इसलिए दो बार इस फ़ोन के अंदर शो हो रही है, उस फाइल को आपको सेलेक्ट करना है और इंपोर्ट कर देना है। तो मैं इंपोर्ट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, आप लोग यदि इंपोर्ट करोगे तो सारे के सारे जो कॉन्टेक्ट है वो आपके फ़ोन के अंदर है वो आ जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो वो समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई वो तुरंत दूंगा। तो बहुत ही इजी है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे आपको वो क्लिक करना है, जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो सारे के सारे कॉन्टेक्ट है वो आपके फ़ोन के अंदर आ जाएंगे। इंपोर्ट पे आप क्लिक करोगे तब ये सारा का सारा है वो इंपोर्ट हो जाएगा। मैं अभी इसको वो बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इंपोर्ट वो नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इस फाइल को आप अपनी मेल आईडी पर भी मेल कर सकते हो और उसके बाद अपने फ़ोन के अंदर वैसे भी आप वो इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है,
और शेयर के ऑप्शन पे वो टैग करना है और मेल कर देना है आपको, आपकी जो भी आईडी हो, जो भी एक्स वाई जेड जो भी आईडी हो, सब्जेक्ट लिख देना आपको है, कॉन्टेक्ट नंबर है, और सेंड कर देना। और वैसे ही उस फ़ोन के अंदर जैसे जाएगी तो उस फाइल को डाउनलोड करना है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया सेम टू सेम है, वो इम्पोर्ट करना है बस, कुछ नहीं, बहुत ही ईजी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो बने रहिए दोस्तों टेक्निकल दोस्त इंडिया के साथ, और वीडियो को लाइक करना है वो नए भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग अपने एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन के अंदर कॉन्टेक्ट है वो शेयर कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ मैंने एक छोटी सी जानकारी आपको देने की कोशिश की, आई होप कि आपको वीडियो वो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।